प्याज हम छीन लेते हैं, छील भाई छील, आलू काट लेते हैं हम, आलू काट लिए, प्याज काट लेते हैं, चार प्याज लिए हैं, प्याज हम नहीं काटेंगे, टमाटर हम काट के डालते हैं, आप पीसे हुए डाल सकते हैं, बैठा लिए, बैठा लेते हैं, पनीर काट लेते हैं, कढ़ाई गर्म हो गया, तेल डाल देते हैं जनाब, पनीर हम भून लेते हैं, पनीर का हम हल्का ताव पर लाल कर लेंगे, पनीर भून लिए, पनीर निकाल लेते हैं, पनीर लाल हो गया, फिर गरम मसाला डाल लेते हैं फ़ोरन में, चार मिर्चा लिए, सूखा मिर्चा, फ़ोरन लाल हो गया, प्याज डाल देते हैं इसमें, टमाटर डाल देते हैं प्याज में, टमाटर प्याज के संग भून लेते हैं, आप चाहे तो पीस के डाल सकते हैं, हम काटिए डाले हैं, चौर में आए हैं, हल्दी डाल देते हैं इसमें पानी में, धनिया पाउडर डाल दिए, जीरा गोलकी, सब चीज़ मिला लेते हैं, मसाला हम इसको भून लेंगे, मसाला भून लिए और इसमें आलू डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, अब इसको ढक देते हैं, तो
पनीर डाल देते इसमें सब्जी में। आलू हो गया, अब इसमें पनीर डाल दिए हम। पाँच मिनट के लिए खाली हम ढक देते हैं। पाँच मिनट में आलू पनीर बन के तैयार हो गया, अब उतार लेते हैं। उतार लिए अब हम। खाना बन के तैयार हो गया, अब बच्चा लोग खिला लेते हैं। दोस्तों हम चौर में आए हैं, खाना बनाए हम, आलू पनीर की सब्जी बच्चों लोग खिलाए। और वीडियो आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिख के बताइएगा। और वीडियो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो बनाए हमारा बड़ी मेहनत लगता है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिर हम आप लोग से अगला रेसिपी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों पनीर की सब्जी और भात बना था, बहुत मज़े से खाए और टेस्टी लगा, स्वाद लगा, बहुत मस्त था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।